चाहे आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तभी कल व्यवस्था सुधरेगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा। कोई नेता ये आपको बात नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपके बच्चे अनपढ़ रहे ताकि आप खिचड़ी के लिए 4 किलो अनाज के लिए उसको वोट देते रहे। हम आपको बता रहे हैं अगर 4 गो बच्चा है बहुत गरीब है सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को भी पढ़ा सकते हो एक को भी पढ़ाओ। घर से अगर एक बच्चा भी पढ़ा सब पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। और अगर बच्चा अनपढ़ रह गया तो चाहे लालू आ जाए प्रशांत किशोर आ जाए आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बना पाएगा। इसलिए कल से संकल्प लीजिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, यही कहने आए हैं।